हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है आपके और आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। तो चलिए यहाँ रेस से भविष्यवाणी से मैं देखती हूँ कि आपके और दोनों की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या है। टाइमलेस रीडिंग है डियर, जब भी आप देख रहे हो आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंजल्स गाइड के डिवाइन गाइड कीजिए, ऑल आर के एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स और व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के लिए क्या चला है उनके दिल और दिमाग में। एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, ऑल आर के एंजल्स गाइड कीजिए, दिव्य शक्ति गाइड कीजिए, गाइड कीजिएगा। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, इस रिश्ते में बैलेंस और ठहराव लाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने रिश्ते में, अपनी फैमिली में आपके साथ एक बैलेंस, एक ठहराव लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन इनके लाइफ की चल रही है वहां ठीक नहीं है, ठीक है, और खुद को ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो और एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रू लव भी फील कर रहे हो। आपको भी कभी कभी मूड स्विंग होता कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ आप दोनों के रिश्ते में, जबकि हम दोनों के बीच में इतना प्यार था, अचानक से हमारे प्यार, हमारे रिश्ते में ऐसा बदलाव क्यों आया। लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं ठहराव लाने की। लेकिन कभी कभी इनका भी मूड स्विंग हो रहा है, कभी कभी आपका भी मूड स्विंग हो रहा है, कभी कभी आप भी डर जाते हो इस रिश्ते के लेकर, आगे क्या होगा, करियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, जहां आप सोचते हो, क्योंकि इस पर्सन पे आपने बहुत विश्वास रखा है और कभी आपने सोचा नहीं था कि आपके पर्सन आपसे दुनिया बना लेंगे और आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे और बातें छुपाएंगे, ये आप सोचते हो। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप अपने पेरेंट्स से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, कुछ लोग डियर, ठीक है। लेकिन आप जिससे प्यार करते हो डियर, जो भी आपके पार्टनर है, हो सकता है कुछ लोग आपके ही कास्ट हो, और लेकिन कुछ के मुझे धर्म, कास्ट, एज गैप मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। हो सकता है मेरे व्यूवर्स आपकी फैमिली ना मान रही और बोला जा रहा कि आप अपने करियर पर फोकस करें, आपको और अच्छा मिल सकता है। यहाँ आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है कि फैमिली नहीं मान रहे हैं और कास्ट के वजह से हो सकता है कि आपसे ये बात नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया क्योंकि आपसे ये शादी नहीं कर पाएंगे, मैरिज कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन दिल से चाहते हैं आपसे मैरिज करना, लेकिन ये दबाव में है, पेरेंट्स के दबाव में है। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस, अंकल, मामा जी हो सकते हैं, फादर या बड़े भाई हो सकते हैं, या फीमेल में मुझे लग रही है मदर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, और बड़ी इनकी जो बड़ी बहन सिस्टर होती है वो हो सकती है जो दबाव दे रही है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और इनके पेरेंट्स भी मान जाए और आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग भी हो जाए और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो जाए और पूरी लाइफ आपको फैमिली का हिस्सा बना सके पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कभी कभी इनका मूड स्विंग हो रहा है कि छुपके से शादी कर लूं, या फिर हो सकता है डियर कि आपके साथ पास्ट में इन्होंने ऐसा किया हो, आपने अचानक से जाकर इनके साथ शादी कर ली और किसी को ना पता हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी, कुछ फ्रेंड के साथ आप लोगों ने ऐसा किया, फिर आप दोनों ने जाकर टेम्पल में कहीं ना कहीं छुपके से शादी की है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप थोड़ा दर्द में हो कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। यहां मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स, या फिर आप इनके साथ कभी प्रेग्नेंट भी हुए हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स प्रेग्नेंट हुए हो, ठीक है, शायद वो बेबी अब नहीं है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या फिर आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है, या आपके पार्टनर आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, आपसे उन्हें बच्चे चाहिए, सपने बहुत हैं लेकिन एक्शन थोड़ा धीरे है डियर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगी, थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलना। और यहाँ पे 11 नंबर मुझे क्यों नजर आ रही है, 11 नंबर और 1, 2 और 3 ये नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो एरिस साइन देखा जाए तो एरिस है, ठीक है, और लिब्रा स्ट्रांग है, एरिस स्ट्रांग है, जेमिनाई स्ट्रांग है, सेजिटेरियस स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, ये साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे लेकिन प्यार भी करते हैं,
लेकिन इस वक्त मजबूर है, लेकिन आपसे उनको फैमिली बनाना है, आपके साथ वो बच्चे देखते हैं, हैप्पी होम देखते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, जो सपने उन्होंने संजोए थे, शायद ये आपसे फीलिंग्स की आपको फीलिंग शेयर किया होगा, अगर नहीं किया तो ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब को लेकर चलना चाहते हैं, फैमिली को, आपको, आपकी फैमिली को, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपको इन्होंने दिल दिखाया, आपको दर्द दिया, पेन दिया, आपकी फैमिली को अशब्द भी बोले, हो सकता है आपको ऐसा लगा कि आपको चीट बोला, नहीं, इनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी, इनके पास ऑप्शन भी थी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन भी देखा है, ऐसा नहीं, इन्होंने ऑप्शन भी देखा है, ये फ्लर्टिंग भी किया, लेकिन जो एनर्जी आपसे मिली, सच्चे प्यार की पहचान आपसे मिली, इनको प्यार की कमी बहुत होती थी, जब आप मिले तब ये आपको अब ढूंढ रहे हैं, अपने आप को पूरा करना चाहते हैं, कम्प्लीशन की एनर्जी है, ये खुद को आपको पाकर पूरा करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करे, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, ठहरा लाना चाहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी दिख रहा है बाबू, ऐसा नहीं है, स्टबन नेचर के हैं, तो घर में भी फाइट कर रहे हैं, पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करें, हिम्मत जुटा रहे ये पर्सन, लेकिन ये फ्यूचर में आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेज अभी भी है और कुछ कर्मा भी है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो आप अपने एंसेस्टर को इन्वाइट कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, अपने गार्डियन एंजल से हेल्प मांगिए, अपने पूर्वजों के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, और लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स एंजल्स गॉड को, रास्ते क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ आपको डोनेट करना है गरीबों में, दिल इच्छा आपकी, ये शो करके नहीं कि मैंने उसको इतना दिया है, मैंने उसको इतना दिया है, तो मुझे फल मिलेगा, ना, आपको कुछ अपने जॉब का जो भी सैलरी आता है, जो भी आपका इनकम है, उसमें से कुछ ना कुछ, देखिए बोला जाता है कि दसवां हिस्सा निकालना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा है आप कितना किसी को डोनेट करोगे, आपको सोसाइटी, समाज, गरीबों में, मंदिरों में कुछ ना कुछ डोनेट करना है बाबू, कुछ पशु पक्षी को दाना पानी देना है, कर्मा क्लियर करना है, और यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, धीरे धीरे अपने कर्मा आपके क्लियर होते जाएंगे। और देखिए, किसी को आप पानी पिला सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, किसी को कपड़े दे सकते हो, आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो, आप अनाथ आश्रम में जा सकते हो, आप गरीबों की मदद कर सकते हो, या फिर वृद्धा आश्रम जा सकते हो, बुजुर्गों की बात को सुनो, उनको हील करो, इस तरह सोसाइटी समाज के लिए आप कुछ करो, इससे कर्मा क्लियर होंगे और आपके अंदर जो हाई वाइब्रेशन आएगी, हीलिंग आएगी, तो आपके लाइफ के सारे ब्लॉकेज क्लियर होते जाएंगे और आपके पार्टनर आपके तरफ स्टैंड लेंगे। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना, आपके पार्टनर दो च्वाइस हो सकता है, किसी के पार्टनर के दो च्वाइस भी है, जहां से वो निकलना चाहते हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे, लेकिन स्टैंड लेंगे, ठीक है, यहां मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम, लेकिन अपने कर्मा, अपने ब्लॉकेज को थोड़ा आप हील करें, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच।